पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में मासूम बच्ची की लाश मिलने के बाद लोगों ने थाने में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। यूपी के गाजियाबाद जिले में स्थित मुरादनगर से लाश बरामद होने के बाद गुस्साए लोग कल्याणपुरी पहुंचे और उन्होंने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। तस्वीरों में कल्याणपुरी थाने के बाहर दिख रही लोगों की ये भारी भीड़ उस 8 वर्षीय मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उमड़ी है, जो आज इस दुनिया में नहीं। 23 फरवरी की शाम को अचानक गायब हुई बच्ची का शव आज गाजियाबाद जिले के मुरादनगर से बरामद हुआ है, जिसकी खबर मिलते ही परिजनों और आसपास के गुस्साए लोगों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो शायद आज उनकी बच्ची उनके बीच होती। इसी के साथ पुलिस पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की। 4 बज के कुछ 10 मिनट या 15 मिनट पर लड़की उठाई गई थी। शाम को हम लोग लड़के के घर पर गए थे, हमने बात की, लेकिन पुलिस ने हमें ठीक से कॉपरेट नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला, क्या कहते हैं कि पथराव कर रहे हैं ये लोग। हमें पुलिस वालों ने गंदे तरीके से गली से धक्का दे के निकाला, हम लोग निकल गए। अगर उस टाइम हमें अगर पहले ही दिन पुलिस कॉपरेट कर लेती, आज वो लड़का हमारे साथ, बच्ची हमारे साथ होती। पुलिस वालों ने ठीक से नहीं सुना। बच्ची को मार दिया गया, 6 साल की लड़की, कोई ऐसे गलत काम नहीं कर सकती है। लड़की अभी मिली नहीं है और झूठी अभी तक हमें झूठी दिलासा दी जा रही है। लड़के को थाने में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे, क्रिमिनल के बारे में कुछ नहीं बता रहे ये लोग। आपको बता दें कि 23 तारीख को गायब हुई बच्ची के परिजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ शिकायत कर बच्ची को अगवा किए जाने का आरोप लगाया था। अब परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है।